था इस दिन का आपको भी और मुझको भी। फाइनली Redmi Note 9 Pro Max को घेर लिया गया है उसके कॉम्पिटिटर्स द्वारा। तो आज करेंगे इनका पूरा बैटरी ड्रेन टेस्ट, बैटरी चार्जिंग टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, देखेंगे भाई टिक पाएगा ये कॉम्पिटिशन के सामने या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैटरी ड्रेन टेस्ट से, और आप लोगों का ओपिनियन सुनके मैंने कुछ चेंजेस करे हैं यहाँ पे फॉर्मेट में। लेकिन उससे पहले बैटरी कैपेसिटीज आपको बता देता हूँ। सबसे छोटी बैटरी Realme X2 में है 4000 mAh की, Poco और Note 8 Pro में 4500 mAh है। सबसे बड़ी बैटरी Note 9 Pro Max के पास है। Realme X2 के अलावा बाकी सारे फोन्स यहाँ पे आते हैं LCD स्क्रीन्स के साथ। Poco X2 और Realme 6 Pro में आपको हाई रिफ्रेश रेट की स्क्रीन्स मिलती हैं, और इन दोनों फोन्स पे रिफ्रेश रेट में हाई पे रखूंगा 60Hz पे। अगर आपको इनका बैटरी टेस्ट देखना है मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, बट ये एक बड़ा फीचर है हाई रिफ्रेश रेट। और अगर आप ये फोन लोगे मोस्टली आप हाई रिफ्रेश रेट ऑन के साथ यूज करोगे। तो सारे फोन 100% पे है, सारे फोन्स पे स्क्रीन ब्राइटनेस फुल पे है, सारे फोन्स पे स्पीकर वॉल्यूम में फुल पे रखूंगा। अब जैसा मुझे आप लोगों ने बोला था कि सबसे पहले आप लोग गेमिंग देखना चाहते हो तो वही आज करेंगे। गेमिंग करने से पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे थोड़े बेंचमार्क्स रन करके। उससे पहले जल्दी से एक बार टेम्परेचर ले लेते हैं जिससे हम हीटिंग चेक कर पाए। तो Note 8 Pro 30.8 के अराउंड है, Poco X2 भी 30.89 के पास है, Note 9 Pro Max भी सेम टेम्परेचर पे है, Realme 6 Pro 31.2, Realme X2 भी 31 के पास है, मतलब ऑलमोस्ट बराबर से ही है। चलिए टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे Note 9 Pro Max और Realme 6 Pro में सेम प्रोसेसर हमें मिल रहा है Snapdragon 720G, Poco X2 और Realme X2 में सेम प्रोसेसर है Snapdragon 730G। तो तीन राउंड्स हो गए हैं Geekbench के। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे हाई स्कोर यहाँ पे Snapdragon 720G वाले फोन्स के हैं। Redmi Note 8 Pro का G90T पिछले साल तक बहुत पावरफुल लगता था, बट अभी क्लियरली पीछे रह गया है 720 और 730 से। अगर बात करूँ सस्टेन परफॉर्मेंस की तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस ड्रॉप यहाँ पे हुआ है Redmi Note 8 Pro और Poco X2 में, बाकी तीनों फोन्स में ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है परफॉर्मेंस। ये तो हो गया थोड़ा लाइट बेंचमार्क, अब करेंगे थोड़ी हैवी टेस्टिंग। वैसे मैं 3D मार्क टेस्ट यूज करता हूँ बट Poco X2 में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे अलाउ नहीं कर रहा है 3D मार्क टेस्ट रन करना। तो N2 बेंचमार्क रन करेंगे और इसके भी तीन राउंड करेंगे सारे फोन्स पे। तो तीन राउंड हो गए हैं N2 बेंचमार्क के, और यहाँ पे एक्चुअली Note 8 Pro ने सबसे अच्छा स्कोर दिया है, और CPU में अभी भी पीछे है बाकी फोन से, बट इसके GPU की वजह से यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा लीड मिलती है। बाकी फोन में देखोगे तो सबसे हाईएस्ट स्कोर Realme 6 Pro का आया है, और इन सारे फोन में से सबसे कम स्कोर किया है Realme X2 ने। एक बार जल्दी से यहाँ पे आपको CPU टेम्परेचर सबका चेक करके बताऊं तो सबसे ठंडा यहाँ पे Note 9 Pro Max है 40 डिग्रीज पे, Poco X2 41 पे है, Realme 6 Pro 42 पे है, Realme X2 45 पे है, और सबसे गर्म Note 8 Pro चल रहा है जो 46 टच कर रहा है। तो ऑलमोस्ट एक घंटा होने वाला है हमें टेस्ट स्टार्ट करे हुए। यहाँ पे बैटरी में सबसे पीछे चला गया है Note 8 Pro 75% पे, सबसे आगे चल रहा है Note 9 Pro Max। ऑलरेडी फायदा दिखने लगा है बड़ी बैटरी का। बेंचमार्क बहुत हो गए हैं, गेमिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले पबजी लोडिंग टाइम चेक कर लेते हैं। तो लोडिंग टाइम ऑलमोस्ट बराबर के ऐसे ही मिले आपको सारे फोन्स पे। Note 9 Pro Max में शायद बहुत थोड़ा सा तेज हो गया। अरे भाई पॉपअप ही पॉपअप खत्म नहीं होते हैं। तो ग्राफिक्स सेटिंग्स की बात करें तो Note 8 Pro को छोड़ के बाकी सारे फोन्स गेम को बस HD ग्राफिक्स हाई फ्रेम रेट तक चला सकते हैं। Note 8 Pro में आपको HDR और अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है, और Note 8 Pro पे आप स्मूथ ग्राफिक्स करके एक्सट्रीम फ्रेम रेट तक खेल सकते हो, जबकि बाकी सारे फोन्स पे आपको स्मूथ करके भी सिर्फ अल्ट्रा तक का ही ऑप्शन मिलेगा जो कि 40 FPS होता है। बट यहाँ पे ऐसे जाने नहीं देंगे इन फोन्स को, GFX टूल खोल लेते हैं। तो वैसे तो सारे फोन्स ही PUBG को सही से चला लेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा पुश करके देखना चाहते हैं। तो ग्राफिक्स मैंने HD पे ही छोड़ दिए हैं, बट FPS मैंने 60 FPS पे लॉक कर दिया है। अब आप देखोगे सारे फोन्स पे सेम सेटिंग हो गई है, HD ग्राफिक्स एक्सट्रीम फ्रेम रेट है। चलो अब स्टार्ट करते हैं गेमिंग। ढाई घंटा पूरा होने वाला है टेस्ट का, एक बार टेम्परेचर लेके देख लेते हैं। Note 8 Pro 45 डिग्रीज के पास है, Poco X2 भी 45 के जस्ट ऊपर चल रहा है, Note 9 Pro Max 44 के पास है, Realme 6 Pro 43 से नीचे है अभी भी, Realme X2 भी 44 के जस्ट नीचे है। तो हाथ में पकड़ के अगर मैं देखूं Note 8 Pro अच्छा खासा गर्म लग रहा है पीछे से, Poco X2 भी बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है। ये कैमरा वाला पार्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ काफी गर्म है। Realme X2 तो काफी कम गर्म लग रहा है, Realme 6 Pro
प्रो बहुत थोड़ा सा मुझे गर्म लग रहा है। और फाइनल आज का जो नया एंट्रेंट है नोट 9 प्रो मैक्स, ये भी कैमरा के पास से गर्म लग रहा है बट पोको एक्स टू और नोट 8 प्रो लेवल का नहीं है। तो हीट मैनेजमेंट में रियलमी ने कुछ तो बहुत ही बढ़िया जादू किया है भाई। बाकी सारे फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस तो हम काफी बार टेस्ट कर चुके हैं, पोको एक्स टू, रियलमी 6 प्रो, इन सब का गेमिंग टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस टेस्ट में मैं देखना चाहता था कि नोट 9 प्रो मैक्स कैसा परफॉर्म करेगा। और एक चीज जो मैंने सबसे पहली चीज नोटिस करी भाई, यहाँ पे स्पीकर वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, मतलब नॉर्मल कामों में इतनी कम नहीं है, नॉर्मल चीजें आप करोगे वहां पे अच्छी खासी वॉल्यूम है, बट गेमिंग के टाइम ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि म्यूट हो गया है इसका स्पीकर। और उसके अलावा परफॉर्मेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, हम एक्सट्रीम FPS पे चला रहे हैं और कहीं कहीं पे थोड़े बहुत मुझे फ्रेम ड्रॉप्स फील हुए बट एज सच कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ बहुत बड़े स्टटर या लैग नहीं हो रहे हैं। मैंने काफी सारे Redmi Note 9 Pro रिव्यू की, उसमें पबजी परफॉर्मेंस में स्टटर होते हैं। मेरे पास नोट 9 प्रो नहीं आया है तो मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकता हूं। और ये स्पीकर वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम हटा दूं तो मोस्टली सेम लेवल की परफॉर्मेंस आप मान सकते हो जैसी बाकी फोन्स पे मिल रही है। दो घंटे पूरे हो गए गेमिंग के टेस्ट को, 3 घंटे पे काफी सरप्राइजिंग है। Note 8 Pro ऑलरेडी 20% पे आ गया है, Poco X2 भी 22 पे है, Realme 6 Pro पूरा 10% आगे है, Realme X2 ने काफी अच्छी बैटरी होल्ड करी है, सबसे आगे ऑब्वियसली Note 9 Pro Max चल रहा है। बट Note 8 Pro का समझ आता है, Helio G90T बहुत जल्दी बैटरी लूज करता है क्योंकि हीट हो जाता है, एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है। Poco X2 ने पर इतनी ज्यादा बैटरी कैसे लूज कर दी है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब अगर आप बोलोगे हाई रिफ्रेश रेट की वजह से है, तो यार देखो पबजी वैसे भी 60 FPS पे हम चला रहे थे तो 120 हर्ट्ज का ऐसा कुछ वहां पे डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए था। और वैसे मैं आज वाले टेस्ट में सोच रहा था कि ओवरनाइट स्टैंड बाई के लिए छोड़ूंगा फोन्स को, बट अभी देख के मुझे लग नहीं रहा है कि स्टैंड बाई लाया कि बचेंगे या नहीं। फिर अभी के लिए नेक्स्ट टेस्ट आ गया है हमारा, 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक। वीडियो प्लेबैक के 2 घंटे खत्म हो गए हैं, टेस्ट को 5 घंटे हो चुके हैं और 2 ही फोन हमारे रह गए हैं। Realme X2 जिसमें सबसे छोटी बैटरी थी वो अभी तक टिका हुआ है और यहाँ पे आपको वो बेनिफिट दिख जाता है AMOLED स्क्रीन होने का। ऑब्वियसली Note 9 Pro Max सबसे बड़ी बैटरी थी, सबसे ज्यादा टिकना ही था। तो नेक्स्ट टेस्ट अब आ गया है हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग का, दोनों फोन पे 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ है वीडियो रिकॉर्डिंग का, Realme X2 ऑलरेडी 2% पे आ गया है, पर Realme के फोन्स में इसके आगे आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो बैटरी डाउन करने के लिए यहाँ पे मैं बेंचमार्क चला लेता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करी, जब हमने टेस्ट के शुरुआत में Antutu रन किया था Redmi Note 9 Pro Max पे, 270,000 के अराउंड का स्कोर आया था, इस टाइम ऑलमोस्ट हाफ हो गया है वो सीधा। इसी के साथ लास्ट फोन भी हमारा डेड हो गया है, ये है फाइनल बैटरी स्टैंडिंग्स। अब यहाँ पे सारे फोन्स बहुत जल्दी मर गए और वो इसलिए हुआ क्योंकि आज हमने बहुत ही एक्सट्रीम टेस्टिंग करी है, 3 घंटे हमने गेमिंग करी और रियल लाइफ यूसेज के हिसाब से आप आराम से स्क्रीन ऑन टाइम में यहाँ पे 2 घंटा ऐड कर सकते हो सबके। तो सबसे ज्यादा बैटरी ऑब्वियसली नोट 9 प्रो मैक्स पे ही मिलनी थी, उसमें तो कोई शक था ही नहीं। यहाँ पे एक तो बैटरी भी सबसे बड़ी है, 60 हर्ट्ज की स्क्रीन है, रियलमी X2 ने आज फिर से कमाल करके दिखाया, सबसे छोटी बैटरी के बाद भी बहुत ही बढ़िया टिकता है। और आज फिर से हमने सेम चीज देखी कि भाई Realme 6 Pro में Poco X2 से बेटर बैटरी लाइफ मिलती है। अब अगर मैं आपको राउंड वाइज ब्रेकडाउन दिखाऊं बैटरी ड्रेन का, तो आप देखोगे बेंचमार्क राउंड में सबसे ज्यादा Note 8 Pro ने लूज किया है, ऑब्वियसली क्योंकि बाकी प्रोसेसर जितना पावर एफिशिएंट नहीं है, 12 नैनोमीटर प्रोसेस पे है, बाकी सब 8 नैनोमीटर वाले हैं। बेंचमार्क में समाओ Note 9 Pro Max ने बहुत कम बैटरी लूज करी, जबकि स्कोर्स वगैरह उसके ऑलमोस्ट बराबर लेवल पे ही थे Realme 6 Pro और Poco X2 के। गेमिंग की बात करें तो यहां पे Poco X2 ने कितनी ज्यादा बैटरी लूज करी है, बाकी
बाकी तीनों स्नैपड्रैगन फोन्स के कंपैरिजन में। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार आता है आप लोगों से कि पोको जब एक प्रॉपर परफॉर्मेंस एक्सपर्ट डिवाइस है तो उसमें गेमिंग की टाइम हीटिंग क्यों हो जाती है, गेमिंग की टाइम इतना बैटरी ड्रेन क्यों होता है। यार देखो एक्चुअल रीजन तो मुझे भी नहीं पता, मैं बस ये चीज गेस कर सकता हूं कि गेमिंग वगैरह करते वक्त पोको एकदम ज्यादा जोश में आ जाता है, फुल पावर पे खोल देता है प्रोसेसर को, और ऑब्वियसली इस वजह से हीट ज्यादा हो जाता है, ड्रेन ज्यादा हो जाता है। बट एक चीज मैंने नोटिस करी है कि पोको X2 में परफॉर्मेंस बिल्कुल ड्रॉप नहीं करती है, तो आई थिंक उसका एक साइड इफेक्ट आप मान सकते हो कि बहुत जल्दी यहाँ पे बैटरी लूज करता है। बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आप देखो कि Realme X2 ने कितनी कम बैटरी लूज करी है, जबकि यहाँ पे भी सेम प्रोसेसर है Snapdragon 730G। वीडियो राउंड की बात करें तो सिर्फ Note 9 Pro Max और Realme X2 ही एंड तक टिके थे इसमें। तो यहाँ पे आप देखो कि Realme X2 ने कितनी कम बैटरी लूज करी है, और इससे आपको पता चलता है वो AMOLED वर्सेस LCD का जो डिफरेंस होता है। कंपैरिजन में आप देखो Realme 6 Pro ने कितनी ज्यादा बैटरी लूज करी वीडियो राउंड में, और वीडियो रिकॉर्डिंग वाले राउंड में अगेन Note 9 Pro Max ने थोड़ी ज्यादा बैटरी लूज करी Realme X2 से। तो ये था बैटरी ड्रेन टेस्ट, अब करेंगे बैटरी चार्जिंग टेस्ट। और Note 9 Pro Max के साथ Xiaomi ने ये ब्रांड न्यू 33 वॉट चार्जर इंट्रोड्यूस किया है। ऑन पेपर ये सबसे ज्यादा तेज है, दोनों Realme's में 30 वॉट चार्जिंग है, पोको में 27 वॉट चार्जिंग है, बट एक्चुअल में देखेंगे कैसा परफॉर्म करेगा। तो चार्जिंग थाली सज चुकी है, चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आधा घंटा हो गया चार्जिंग का, Realme X2 68 पे है, Realme 6 Pro 66 पे है, Note 9 Pro Max भी 60 क्रॉस कर चुका है। तो बड़ी बैटरी होने के बाद भी Note 9 Pro Max Poco X2 से आगे चल रहा है, काफी अच्छी बात है ये। चार्जिंग का एक घंटा पूरा हो गया है, Realme 6 Pro यहाँ पे आगे निकल गया है Realme X2 से, Poco X2 भी जस्ट आगे चला गया है Note 9 Pro Max से। तो ये चारों फोन बहुत पास पास चल रहे हैं, देखते हैं 100% कौन पहले टच होगा। और यार एक इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैंने भी ये नोटिस किया है और कुछ और लोगों से भी मैंने सुना है कि Realme फोन्स की जो चार्जिंग स्पीड है, जैसे मैंने Realme XT और Realme X2 पे ये नोटिस किया है, जब वो लॉन्च हुए थे जो उनकी चार्जिंग स्पीड थी, जो उनका 0 to 100% टाइम था, उसके मुकाबले में अब थोड़ा बढ़ गया है वो टाइम। और Realme ने मुझे बताया कि ये वो ऑन पर्पस कर रहे हैं बैटरी हेल्थ कंजर्व करने के लिए। ये जो फास्ट चार्जिंग सिस्टम्स होते हैं जिसमें बहुत हाई वोल्टेज, बहुत हाई करंट आपकी बैटरी में जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि एकदम से आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट एक साल डेढ़ साल बाद ऐसा होगा कि बैटरी कैपेसिटी आपकी बहुत कम हो जाएगी। जैसे अभी 4000 mAh की बैटरी है, हो सकता है एक साल बाद डेढ़ साल बाद सिर्फ 3500 mAh ही वो कैपेसिटी होल्ड कर पाए। तो ये जो चार्जिंग स्पीड स्लो करी जा रही है, इसको आप दोनों वे में ले सकते हो। पॉजिटिव ये है कि अगर आप अपना फोन 2 साल 3 साल चलाने वाले हो तो लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। और नेगेटिव ये है कि ये जो फास्ट चार्जिंग होती है, ये इन फोन्स का एक बहुत बड़ा फीचर होती है, और अगर आप पहले 2-3 महीने बाद ही वो फीचर को खींच लोगे वापस तो थोड़ा सा धोखे वाली फीलिंग आती है। मतलब फास्ट चार्जिंग अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि पूरी खत्म कर दी गई है, और इनफैक्ट स्टार्टिंग की स्पीड में तो आपको उतना फर्क भी नहीं दिखेगा, बस एंडिंग का जो 10-15% होता है उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया गया है। तो ये मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास रियलमी फोन है, आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, उसके पीछे ये एक रीजन है। मैंने काफी लोग को देखा है ट्विटर पे, पूछ रहे होते हैं वो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, यूनिट में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ ही पोको X2 भी फुल चार्ज हो गया है, अब नोट 8 प्रो को फुल चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ पे बस मैं देखना चाहता था नोट 8 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स में कितना डिफरेंस हमें दिखता है। तो ये है फाइनल बैटरी चार्जिंग रिजल्ट्स, जैसा हमने देखा आज भी सबसे पहले 100% टच किया Realme 6 Pro, और आई थिंक इस टाइम बैटरी चार्जिंग चैंपियन है ये बजट रेंज में। वैसे ये चारों फोन भी बहुत पास थे 1 घंटा मार्क पे, बट वो लास्ट के 5-10% की जो ट्रिकल चार्जिंग होती है उसकी वजह से पोको X2 और Realme X2 ने तो 20-25 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए 100 होने में। पर आज का सरप्राइज था नोट 9 प्रो मैक्स, इतनी बड़ी बैटरी है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पोको X2 से तो थोड़ा ज्यादा ही टाइम लेगा, बट 1 घंटा 15 मिनट के अंदर अंदर 100% हो गया, जो बहुत ही अच्छी बात है इतनी बड़ी बैटरी के लिए। चार्जिंग स्पीड्स का भी अगर हम ब्रेकडाउन देखें तो जो फास्ट चार्जिंग का एक्चुअल फायदा होता है कि पहले 15-20 मिनट में आपको सुपर फास्ट चार्जिंग मिल जाए कि कभी इमरजेंसी में आपको चार्ज करना पड़ रहा हो, तो वो वाली चीज Realme के फोन तो अच्छा करते ही थे, बट Redmi Note 9 Pro Max में भी वो चीज बहुत इंप्रूव कर दी गई है। 15 मिनट में 30% और आधे घंटे में 60% बहुत ही बढ़िया स्पीड है। अगर आप एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से देखो तो यहाँ पे Note 9 Pro Max सबसे तेज चार्ज कर रहा था बैटरी। तो ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करते हैं, बैटरी ड्रेन, बैटरी चार्जिंग दोनों मिला के Note 8 Pro को साइड कर देते हैं, वो तो पुराना फोन है,
फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आएगा पोको X2। बैटरी भी इसमें सबसे जल्दी ड्रेन हुई और चार्जिंग में भी ये सबसे ज्यादा टाइम ले लेता है। थर्ड नंबर पे आएगा Realme 6 Pro। यहाँ पे चार्जिंग स्पीड हमें सबसे तेज मिल रही है। बैटरी लाइफ में पोको X2 से तो बेटर है, बट बाकी दोनों फोन से पीछे रह जाता है। सेकंड नंबर पे आएगा Realme X2। सबसे छोटी बैटरी के बाद भी बहुत बढ़िया टिकता है यहाँ पे, और चार्जिंग स्पीड इसकी एंड में बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। स्टार्टिंग वाली जो चार्जिंग स्पीड है अभी भी सुपर फास्ट है। और इस टेस्ट का विनर हमारा बन गया है Redmi Note 9 Pro Max। बैटरी लाइफ तो यहाँ एक्सपेक्टेड ही था सबसे ज्यादा मिलेगी क्योंकि सबसे बड़ी बैटरी है, बट चार्जिंग स्पीड में भी इसने धमाका मचा दिया है। बहुत ही बढ़िया फोन है यार ये, बट Xiaomi को यहाँ डेफिनेटली एक हाई रिफ्रेश रेट की स्क्रीन जरूर देनी चाहिए थी। उस चीज में ही पीछे रह जाता है बाकी फोन से, बट अगर आपको बेस्ट बैटरी लाइफ, बेस्ट बैटरी चार्जिंग स्पीड वाला फोन चाहिए तो फिर आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट में बस गैलेक्सी M31 है जो इसको हरा पाएगा बैटरी में, बट वहाँ बैटरी लाइफ अच्छी है, बैटरी चार्जिंग बहुत स्लो है, और बैटरी लाइफ और बैटरी चार्जिंग का जो कॉम्बो ये फोन आपको दे रहा है वो आपको डेफिनेटली किसी और में नहीं मिलेगा। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बताओ वीडियो कैसी लगी,